योजना भी चला रही है, नारी सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। तो क्या लग रहा है मैडम, अगर आप चुनाव जीतती हैं तो सरकार का जो ये मुहिम है नारियों को लेकर उसको मजबूती प्रदान कीजिएगा कि नगर पंचायत? जी बिल्कुल, मैं इस पे जोर शोर से काम करूँगी। जितने महिलाओं के हित में जितना मेरे से संभव हो सकेगा मैं उतना उस क्षेत्र में कार्य करूँगी। चुनाव से पहले सभी वादे करते हैं, चुनाव जीत जाने के बाद उस पर खड़े नहीं उतरते हैं, आप क्या कहिएगा? जी नहीं, ऐसा मतलब मेरे परिवार का ऐसा कोई रेपुटेशन नहीं रहा है, क्योंकि दीपक जी जो है वो समाज सेवी है, उनको सारे नगर पंचायत के लोग जानते हैं, तो मुझे उन्हीं के राह पे चलना है। मैडम, जनता पहली बार वोट करने जा रही है नगर पंचायत के चेयरमैन के लिए, क्योंकि इसके पहले वार्ड पार्षद लोग चुनाव करते थे, तो क्या लगता है कि जनता सही कैंडिडेट को चुन पाएगी? जी बिल्कुल, मुझे जनता पे पूर्ण भरोसा है, पूरा विश्वास है। जनता अगर आपको जिताती है तो पहला प्राथमिकता आपका क्या होगा, क्या क्या कीजिएगा? जी देखिए, सरकार की तरफ से जितनी योजनाएं जो चलाई जा रही है, सबसे पहला मतलब मेरा यही रहेगा कि उनको जनता तक पहुँचाऊँ मैं, जितनी सरकार की तरफ की योजनाएँ हैं, और सड़क खास करके इसमें, क्योंकि मैं खुद ही मैदान में उतरी हूँ, जा रही हूँ, जनता से मिल रही हूँ, तो मुझे जब इतनी कठिनाई हो रही है चलने में रोड पे, तो जनता का क्या हाल होता होगा। तो मैडम, विगत 5 वर्षों में जो घोटाले हुए हैं, जो भ्रष्टाचार का एक लोगो लगा हुआ है, उसको कैसे निदान दिलाइएगा यहाँ के लोगों को उसे? देखिए, पहले जनता नहीं चुनती थी, इस बार जनता डायरेक्ट चुन रही है, तो जनता के हित में ही काम होगा। तो मैडम, ये जो सीट है देखा जाए तो ये मतलब पुरुष भी लड़ सकते हैं, महिला भी लड़ सकती है, सारे यहाँ पे पुरुष कैंडिडेट हैं, लेकिन एक श्वेता रानी जो नाम है एक महिला नाम है, तो क्या लग रहा है कि मुकाबला में कोई आपको दिखाई दे रहा है आपसे कोई? जी मुझे तो ऐसा कोई नहीं दिखाई दे रहा है, और मैं महिलाओं की बहुत बड़ी मतलब आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे चुना, महिला पुरुष दोनों ही मुझे चुन करके इस मैदान में लाए हैं, तो मैं आभारी हूँ। आप एक महिला हैं और आप जीतती हैं, तो महिलाओं को सबसे पहला प्राथमिकता क्या देंगी? जी उनके लिए स्वरोजगार का मैं व्यवस्था कराऊंगी। लोगों से क्या आपका अपील होगा? जनता से मेरा यही हाथ जोड़कर अपील है कि आप सही चुनाव कीजिए, मैं बड़ा बदलाव लाऊंगी, ये मेरा वादा है। मैडम, एक बड़ा समस्या है एकमा के लिए कि यहाँ पे औरतें दूर दूर से आती हैं, और उनके लिए शौच के लिए सुलभ शौचालय नहीं है, तो उसका कोई निर्माण यहाँ पे होगा? जी बिल्कुल, मैं जीतूंगी तो सुलभ शौचालय का व्यवस्था कराऊंगी, ये मैंने पहले भी बोला है अपने पहले वाले इंटरव्यू में। तो देखिए, मीडिया के सवालों का जवाब दे रही हैं श्वेता रानी, जो यहाँ पे एकमा नगर पंचायत से भावी चेयरमैन के उम्मीदवार हैं और जीत के प्रबल दावेदार भी मानी जा रही है, क्योंकि जो सर्वे रिपोर्ट रहा उसमें इनके जो ससुर थे यहाँ पर गेना राम, उनके नामों की चर्चा जोरों शोरों से पूरे एकमा नगर पंचायत में हो रही है, और यही कारण है कि इस बार इनके साथ जाना पसंद कर रही है जनता एकमा नगर पंचायत की, और पहली बार चुनाव में जनता खुद भाग लेगी चेयरमैन के पद के लिए, तो कहीं ना कहीं जनता के पाले में गेंद है, किसके तरफ जनता फेंकती है वो जनता को तय करना है। लेकिन एक चीज़ है कि ये महिला होते हुए जिस तरह से बेबाकी का मीडिया का सवालों का जवाब दे रही है, वैसे इनके टैलेंट और शिक्षा जो है वो दर्शा रहा है इनके अंदर क्या टैलेंट है। तो मैडम, अंत में चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से जो भी एकमा नगर पंचायत के लोग आपको देख रहे हैं, उन समस्त सामान्य जनता से आप क्या कहना चाहिएगा? जी मैं यही कहूँगी कि आप, मेरा हाथ जोड़कर अपील है कि आप किसी जाति धर्म में बंट करके चुनाव नहीं करें, आप सही चुनाव करें, बड़ा बदलाव लाने का काम मैं करूंगी, ये मेरा वादा है समस्त जनता से। धन्यवाद आप लोग का भी।